मेवाती घराना से श्री जनाब महमूद और यूसुफ। ये चाचा हैं, मैं इनका भतीजा हूँ। और आप लोग तो सभी जानते हैं, मेरे दादाजी, मेरे पापा, सब लोग यहाँ पे आए हैं इसी मंच पे, और मैं तीसरी पीढ़ी में यहाँ आया हुआ हूँ। एक विशेष बात और हमारी, ये जो हमारा साज है भपंग, इसकी उत्पत्ति शिवजी के डमरू से है। तीन शब्दों से मिलके बना, भैसे भोले यानी कि शिव शंकर जी, पैसे पंडित यानी विष्णु भगवान, और गैसे गोरखनाथ। हम लोग शिव जी के उपासक हैं, शिवरात्रि पर शिव स्तुति करते हैं, दिल में एक जज्बा रखते हैं। शुरुआत करूंगा ऊपर वाले के नाम से, मेरा जो कहने का अंदाज है वो शेरो शायरी में छुपा हुआ है। उम्मीद करूंगा आप सभी को बेहद पसंद आएगा, जरा गौर फरमाएं। कि सबसे पहले क्यों ना लूं अपने उस भगवान का नाम, कि सबसे पहले क्यों ना लूं मैं अपने उस मालिक का नाम, और दानिये में फिल्में दीगर सुनने वालों को राम राम, सुनने वालों को राम राम। अच्छा लगे तो तालियां जरूर चाहूंगा आप सभी से। हौसला देखो मेरी शादा दिली का यारो, मैं इश्क करता हूं मगर इश्क को समझा भी नहीं। ए अकल वालो मेरा मियार जुनू तो देखो, और मैं उस पे मरता हूं जिसे आंखों से देखा भी नहीं। कि ना कोई दोस्त ना हम दर्द ना हबीब मिला, वाह, ना कोई दोस्त ना हम दर्द ना हबीब मिला, और खुशी जो मांगी तो फूटा हुआ नसीब मिला। क्या बात है, खुदा से आस लगाई थी हम गरीबों ने, कि खुदा से आस लगाई थी हम गरीबों ने, और खुदा मिला भी तो अपनी तरह गरीब मिला। वाह, खुदा मिला तो अपनी तरह गरीब मिला। महमूद चाचा, अभी मैंने बताया इश्क करता हूं मगर इश्क को समझा भी नहीं। इश्क कौन कहते हैं ये बूढ़े इश्क नहीं करते, हमारे सामने बैठे बाबा भाई, कौन कहते हैं ये बूढ़े इश्क नहीं करते। अरे इश्क तो बेशक करते हैं मगर लोग इन पर शक नहीं करते। यूसुफ जी, जी के दिल हो जवां तो आदमी बूढ़ा नहीं होता। वाह, दिल हो जवां तो आदमी बूढ़ा नहीं होता, हर चाल वही ठाल वही ठाट वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। वाह जी वाह, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। ये थोड़ा सा आपको मनोरंजन के लिए था। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम मुस्लिम हैं लेकिन शिव जी के उपासक हैं, दिल में एक जज्बा रखते हैं। हर तरफ हम लोग देखते हैं जातिवाद फैला हुआ है, उसके ऊपर हमारा एक दोहा था, चारों तरफ देख लो वादों का वाद विवाद है, चारों तरफ देख लो वादों का वाद विवाद है, कहीं जातिवाद कहीं क्षेत्रवाद कहीं फैला आतंकवाद है। और जब हम लोग बात करते हैं, एक शायर ने कहा है, हिंदुओं का मंदिर मुसलमानों की मस्जिद, हिंदुओं का मंदिर मुसलमानों की मस्जिद, सिखों का गुरुद्वारा ईसाइयों का गिरजा, यहां गिरजा वहां गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा, ये चारों उसी के दर हैं, जी चाहे जहां गिरजा। क्या क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, वाह यूसुफ जी, जी हम क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा बना बैठे। क्या बात है, हमसे तो अच्छी जात उन परिंदों की, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा। कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। महमूद चाचा, हम लोग सब एक ही हैं, हम लोगों को एक मन में एक विचार आता है,
हम हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे और मेली बढ़ाए आपस में वो धर्म ईमान रखेंगे। शंख बजाए भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे। हम काबा भी रखेंगे, हम काशी भी रखेंगे, मगर पहले हिंदुस्तान रखेंगे, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। और जब हिंदुस्तान की बात आती है, मैं तो पूरे विश्व को एकता में रखना चाहता हूं। मेरे पिताजी का लिखा हुआ एक लोकगीत एक ही सब पर आधारित है। हमारे एक छोटी सी जिंदगी में जीवन की जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं, सब में एक शब्द बड़ा काम आता है और वो शब्द है टर। हमारे पेश गाने के माध्यम से वही शब्द टर आपके बीच में कहां कहां इस्तेमाल हुआ, ये शब्द टर जरा गौर फरमाए। अरे हो रही है टर ही टर, अरे मच रही है टर ही टर। देखिए सर, मैं बताना चाहूंगा, वैसे मैं भी पीसी से सिविल इंजीनियर हूं, पढ़ाई की है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा, इस लाइन को अपना पेशा चुना। हाल ही में मुझे भी सीएम साहिबा द्वारा स्टेट अवार्ड मिला। लेकिन पढ़े लिखे लोग बोलते हैं टर, एक सब टर, लेकिन हम तो गांव के आदमी हैं, टर मजत भी आते। अरे हो रही है टर ही टर, मच रही है टर ही टर। अरे हो रही है टर ही टर, मच रही है टर ही टर। अरे ये दुनिया में देख ले रे, हो रही टर ही टर। क्या करने लगी? एक लोह लकड़ी की चीज बनाई, नाम धरो मोटर। एक लोह लकड़ी की चीज बनाई, नाम धरो मोटर। वो मोटर में भी रह बालक को देखो कंडक्टर। और मोटर में भी रह बालक का देखो कंडक्टर। हर इंजन को जो तेल दे वे वो है फिल्टर। दुनिया में क्या करने लगा? आगे चलो दुकान सेठ की बिक रही पॉलिस्टर। आगे चलो दुकान सेठ की बिक रही पॉलिस्टर। वहाँ कच फुटों की नाप नहीं है, नाप बनी मीटर। वहाँ कच फुटों की नाप नहीं है, नाप बनी मीटर। हर मीटर का भी बीच में है सेंटीमीटर। दुनिया में बाबा दे जो राज करते वो है मिनिस्टर। हर देश में सरकार चलाते हुए हैं मिनिस्टर। एक संस्थान के बड़े साहब को कहते डायरेक्टर। एक संस्थान के बड़े साहब को कहते डायरेक्टर। हर जिले के अफसर को कहते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। दुनिया में बाबा दे मास्टरों को चेक करता वह है इंस्पेक्टर।
में बच्चा मिलता वो है मॉनिटर। दुनिया में बाबा देख ले हो रही है डर हीटर। दुनिया में बाबा देख ले हो रही है डर हीटर। हो रही है डर हीटर, बज रही है डर हीटर। दुनिया में बाबा देख ले हो रही है डर हीटर। दुनिया में बाबा देख ले हो रही है डर हीटर। मेडिकल डिपार्टमेंट, वहां भी डर में कमी नहीं रही। हॉस्पिटल में जाके देखो पावे डॉक्टर। हॉस्पिटल में जाके देखो पावे डॉक्टर। और डॉक्टरों के नीचे रहते वो है कंप्यूटर। डॉक्टरों के नीचे रहते हुए है कंप्यूटर। पढ़े लिखे लोग कंपाउंडर कहते हैं, कंपाउंडर। लेकिन हम तो गांव के आदमी हैं, कंप्यूटर के मैं साहब। हर एक सफेद सी साड़ी में डोले ऊहे सी सिटर। दुनिया में भाया देख ले हो रही है डर हीटर। दुनिया में भाया देख ले हो रही है डर हीटर। हो रही है डर हीटर, बज रही है डर हीटर। दुनिया में भाया देख ले हो रही है डर हीटर। दुनिया में भाया देख ले हो रही है डर हीटर। हम इतना घूमे मगर डर ने पीछे नहीं छोड़ा। ये डर मेरे घर में आई और मेरे घर के साथ साथ हमारे यहां पे जितने भी मेहमान बैठे हैं सबके घरों में डर है किसी ना किसी रूप में। कैसे? आलू की जब सब्जी बनाई डाला टमाटर। आलू की जब सब्जी बनाई डाला टमाटर। और सब्जी को जब झोल बनायो डाल दियो वाटर। सब्जी का जब झोल बनाया गिर दिया वाटर। और गरम मसालों डाल के हमें डाल दी मटर। और गरम मसाला डाल के हमें डाल दी मटर। राजस्थान का एक रीति रिवाज है, जब कोई मेहमान घर पे आता है दूध राबड़ी या छाछ राबड़ी से मेहमान का ब्रेकफास्ट कराते हैं। थोड़ा सा टाइम का बदलाव हुआ, चाय पानी हो गया, लेकिन माफ करना आजकल तो किसी किसी घर में पैटर्न बदल गया है। कौन सा माहौल रहा? कौन सा? हर बाबूजी जब खावा बेटा खोल लियो क्वार्टर। दुनिया में भाया देख ले हो रही है डर हीटर। दुनिया में भाया देख ले हो रही है डर हीटर। हो रही है डर हीटर, मत रही है डर हीटर। दुनिया में बाबा देख ले हो रही है डर हीटर। दुनिया में बाबा देख ले हो रही है। शुक्रिया। ये था आपके बीच में लोकगीत और जो मेरा साज है हम दोनों बजाएंगे। वैसे तो इस साज को मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने कई फिल्मों में बजाया। 70 देशों की यात्रा की दादाजी ने, पापा भी 44 देशों में घूमे, चाचा हैं, मैं हूँ, करीब 18-20 देशों में हम लोग भी गए हैं। तो इसी की यही विरासत है हमारी, इसी से हमारा धंधा है पूरा। हम दोनों आपस में मुकाबला करेंगे, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बेहद पसंद आएगा। जरा गौर फरमाएं।
बहुत आभार जनाब महमूद और यूसुफ का।